अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे एक स्किन की प्रॉब्लम से रिलेटेड ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ये यूज़फुल रहे। तो मैं आज आपसे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और पिंपल्स के बारे में बात करूँगी। ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है पेशेंट की, बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके आते हैं कि ब्लैक हेड्स वगैरह के और पिंपल्स के, और मेरे पास रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे थे कि आप इस पे वीडियो बनाइए, और कमेंट में भी कि मतलब आप इसका कुछ सजेशन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये एक मिथ है कि होम्योपैथी में अगर कोई स्किन की चीज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उभार देती है, बहुत ज़्यादा मतलब जो बीमारी है उससे डबल ट्रिपल हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ चीज़ें एग्रेवेशन हो जाती है कोई वजह से, क्योंकि पहले का कभी सप्रेस हुआ है, कोई इन्फेक्शन है, कुछ कोई बीमारी है, सप्रेस हो चुकी है एलोपैथिक मेडिसिन से या क्रॉनिकसिटी की वजह से, तो उन केसेस में ऐसा होता है कि एक बार कभी एग्रेवेशन होता है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास एंटीडोट्स वगैरह अवेलेबल है। अगर कुछ सीवियर होता है तो हम वो फ़ौरन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो कंट्रोल में रहता है, वैसे होता नहीं आमतौर से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पिंपल्स निकलते हैं चेहरे पे उसके कॉजेज क्या हैं, मतलब मेन उसका क्या वजह है। एक तो आपने देखा होगा यंग गर्ल्स में प्यूबर्टी है, शुरू मतलब मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, स्टार्टिंग है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा देखा गया है पिंपल्स। और ये बॉयज़ में भी ये चीज़ है कि प्यूबर्टी के एज में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, 20-25 एज तक होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो ये तो हार्मोन्स की वजह से होता है, हार्मोन फ्लक्चुएशंस इतना ज़्यादा होता है प्यूबर्टी के वजह से, प्यूबर्टी के टाइम कि इस वजह से आपका स्किन जो होती है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो जाता है उसका फंक्शंस। नेक्स्ट ये आता है कि अगर पॉल्यूशन है, आप पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं और आपका एक्सपोजर हो रहा है स्किन का, और आप कोई चीज़ ऐसी यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्किन को कवर नहीं करते हैं, ऐसे जाते हैं बाहर, तो उसके वजह से भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि डेड स्किन, जैसे कि जो लोग क्लीन नहीं करते हैं, अब फेस को आपको कम से कम 2 या 3 बार तो वॉश करना चाहिए, अपने जो भी फेस वॉश वगैरह आप यूज़ करते हैं या सोप, क्लीन करना चाहिए फेस आपका, क्लीन होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोग लापरवाही इसमें करते हैं, कायदे से क्लीन नहीं करते हैं, जिसके वजह से डेड स्किन स्किन के ऊपर रह जाती है, पोर्स पे जमा हो जाती है, स्किन में बारीक बारीक पोर्स होते हैं उसमें, वो जमा होते होते वो फिर उसके बाद वो ब्लैक हेड्स वगैरह फॉर्म कर देती है, या वाइट हेड्स हो जाते हैं, या पिंपल्स भी हो जाते हैं, पस बन जाता है। तो आप इस क्लीन करने को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए अपनी स्किन को। नेक्स्ट आता है कि हेयर फॉलिकल्स, जो हमारे स्किन पे बारीक बारीक हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो मतलब इतने ज़्यादा कि नज़र भी नहीं आते हैं, और जो नज़र आते हैं वो भी, तो वो अक्सर होता है उनका ब्रेकेज हो जाता है, वो टूट जाते हैं, तो टूटने की वजह से वहाँ पे जो रह जाती जगह वहाँ पे डर्ट जमा हो जाती है, और ऑयल जो स्किन में से निकलता है, ग्रीजीनेस जो होता है वो सब जमा होकर वो इन्फेक्शन कॉज करता है, पस फॉर्मेशन होता है, तो उसके वजह से भी पिंपल्स, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो ये सारे मेन कॉजेज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन ये मेन इन चीज़ों की वजह से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो होम्योपैथी में पिंपल्स के लिए और वाइट हेड ब्लैक हेड के लिए दी जाती है, उसका नाम आज मैं आपको बताती हूँ, उसका नाम है काली ब्रोम 30। तो ये एक ऐसी मेडिसिन है कि इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अगर आपको किसी भी तरह का पिंपल्स है, कितने भी सालों से हो रहा है, आप इसको यूज़ करिए प्रॉपरली, जो मतलब डॉक्टर के एडवाइस से कि कितने दिनों यूज़ करना है, कितनी क्रॉनिसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने दिनों से आपको है और कितना ज़्यादा है इसके हिसाब से। तो काली ब्रोम 30 पोटेंसी में लेना है आपको, 2 ड्रॉप्स टंग पे लेना है, दिन में 3 बार लेना है। तो इसको ये इतना अच्छा इसका एक्शन है, कोई भी तरह के पिंपल हैं, स्पेशली अगर आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो गए हैं, या पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और स्किन एकदम ऑयली ग्रीजी टाइप की स्किन है, और हल्की सी आपको इचिंग भी है स्किन पे, तो ये सारी अगर सिम्टम्स हैं तो आप काली ब्रोम 30 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार शुरू कर दीजिए, महीने भर 2 महीने आप ले सकते हैं, इससे आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से वो पिंपल्स वगैरह साफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है रेडियम ब्रोम, तो रेडियम ब्रोम भी लेना है आपको 200 पोटेंसी में, लेकिन इसको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही लेना है, संडे बना लीजिए या कोई भी एक दिन, मंडे या ट्यूसडे,
मतलब एक स्पेसिफिक दिन है उसी दिन आपको एक बार लेना है डायरेक्ट टंग पे 2 ड्रॉप्स। तो रेडियम ब्रोम 200 2 ड्रॉप्स एक बार और काली ब्रोम 30 2 ड्रॉप्स 3 बार। तो ये दोनों मेडिसिन एक साथ चलेंगी तो आपका बहुत अच्छा स्किन का क्लियर हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट, अगर पेशेंट का ये है कि स्पेशली मेंसेस में आते हैं पिंपल्स, मतलब जब मेंसेस आ रहा है पीरियड शुरू हो रहे हैं तो पिंपल्स भी साथ में आते हैं और मेंसेस के साथ ख़त्म भी हो जाते हैं, दाग रह जाते हैं, तो इसके लिए स्पेशली एडवाइस किया जाता है पल्सेटिला 30 बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स दिखाती है। तो इसको आपको लेना है 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। तो ये चीज़ याद रखिए कि अगर मेंसेस से रिलेटेड है आपके पिंपल्स तो आपको पल्सेटिला 30 एडवाइस की जाती है। और अगर आपका एक्ने वैसा है जैसे पिंपल्स और एक्ने आपका सिस्टिक हो गया है, जैसे लगता है एकदम कड़क सिस्ट जैसा फॉर्मेशन हो गया है, तो आपको लेना है कैल्केरिया सल्फ लीजिए। SBL की आती है 6x पोटेंसी में, कैल्केरिया सल्फ 6x। तो इसको आपको लेना है 5 ड्रॉप्स हाफ अ कप वाटर में दिन में 3 बार। 5 ड्रॉप्स लीजिएगा पानी में दिन में 3 दफ़ा लेना है, और जब आपको आराम हो गया तो आप वंस करके फिर धीरे धीरे उसको बंद कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी इफेक्टिव है जब आपका बहुत ज़्यादा पिंपल्स कड़ेपन पे है, सिस्ट की तरह फॉर्म हो गया है, या 2-3 पिंपल्स एक जगह होके वो कड़क सिस्ट जैसा बन गया है, तो ये दी जाती है। नेक्स्ट एक मेडिसिन मैं बताती हूँ आपको, R60 आती है डॉक्टर रेक्विक की। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये ब्लड प्यूरिफायर है। कोई भी तरह का पिंपल्स है, स्किन डिजीजेज है, आप इसको लीजिए। ये क्योंकि अगर बहुत अक्सर होता है ब्लड इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी स्किन में होता है, और आपको मतलब कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करे। तो पिंपल्स के लिए जब भी मैं किसी को मेडिसिन देती हूँ तो साथ में ये R60 रेक्विक की, डॉक्टर रेक्विक की ज़रूर प्रिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा इसका साथ में मिलके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ब्लड प्योरीफायर है डॉक्टर रेक्विक की, इसको ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है कि ये एक मेडिसिन और है, नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर। तो ये आपको लोकली अप्लाई करना है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसको आपको 20 ड्रॉप्स लेना है, 1 टीस्पून आपको रोज़ वाटर लेना है, उसमें 20 ड्रॉप्स ये बर्बेरिस एक्विफोलियम डाल के अपने स्किन पे इसको लगाना है, और इसको छोड़ दीजिएगा लगा के। तो जिस तरह से दिन में 2 बार इससे 3 बार आपको करना है, तो बहुत अच्छी आपकी स्किन क्लियर भी हो जाएगी, पिंपल्स और जो भी एब्सेस बॉयल्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे, और आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और स्कार्स वगैरह है, पिगमेंटेशन हो गया है, ब्लैकिश झाई जो कहते हैं, और पुराने पिंपल्स हील होकर स्कार्स छोड़ दिया है, तो वो सारी चीज़ें आपकी हील हो जाएगी इससे, और आपकी स्किन को टोन करेगा, यानी कि स्किन एज के हिसाब से लूज़ हो रही है तो वो बिल्कुल टोन कर देगा सारे मसल्स को आपकी स्किन के। और स्पेशली इंडिकेटेड है जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली वैक्सी है, या फिर स्केल्स जैसे हैं रफ़ है, तो भी तो बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर इंडिकेट करते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये सारी मेन मेडिसिन मैंने आपको बताई है स्किन और ब्लैक हेड और वाइट हेड के लिए, आप यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहेगा। डॉक्टर के सुपरविजन में लीजिए ताकि आपको डिक्रीज और इंक्रीज डोजेज जो करना होता है वो डॉक्टर आपको बता सके। और ठीक है, फिर उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया आपने। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी, अल्लाह हाफिज़।